हम बात करेंगे असफलता पर। हमें अपने प्रत्येक कार्य का कोई फल प्राप्त करने की आशा होती है ना? जब वो फल नहीं मिलता और कार्य अधूरा छोड़ना पड़ता है तो उसे हम असफलता कहते हैं। किंतु असफलता का वास्तव में अर्थ क्या है? हम सब ने कहानी सुनी है कि बार बार गिरने पर भी मकड़ी अपना जाला बुनने की मेहनत करती है, इसीलिए वो सफल होती है। किंतु मेहनत तो हम भी करते हैं, फिर भी कई बार हम असफल होते हैं। तो वास्तव में मकड़ी हमें सिखाती क्या है? जरा विचार कीजिए, मकड़ी जब जाला बुनना आरंभ करती है तो क्या वो अपने लिए कोई समय मर्यादा बांधती है? यदि एक दिन में जाला बन ना पाए तो क्या निराश होकर जीवन का त्याग कर देती है? नहीं, मकड़ी समय के साथ शर्त नहीं लगाती। आरंभ किया हुआ कार्य जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक वो प्रयास करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। इसी कारण से मकड़ी कभी असफल नहीं होती। विचार कीजिए, केवल 10 कदम में पर्वत की चोटी पर पहुंचने की शर्त लगा लें तो हम अवश्य 11वें कदम पर स्वयं को असफल मानेंगे, मानेंगे ना? किंतु हम केवल चलते रहने का निर्णय करें तो पर्वत की चोटी पर देर अबेर अवश्य पहुंच जाएंगे। पर्वत लांघने में सफलता तो अंतिम कदम पर ही मिलती है, उससे पहले के प्रत्येक कदम असफल ही होते हैं। जीवन तो वास्तव में ध्येय की ओर चलने का नाम है। कार्य करते रहने की धीरज जिसमें होती है उसे कार्य से लाभ अवश्य मिलता है, अर्थात हृदय में धीरज का ना होना ही असफलता है, और कोई असफलता नहीं है जीवन में। आशा करता हूं कि हमारा ये विषय आपके जीवन में कुछ अर्थ भरेगा। इस पर चिंतन मनन अवश्य कीजिएगा।